राजस्थान के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा से राज्य भर के कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। गहलोत की इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारी सरकार को धन्यवाद देने के साथ ही अपने अपने तरीकों से जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर के सरकारी स्कूल के अध्यापक शंभू सिंह मेड़तिया ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने पर सीएम गहलोत के नाम खून से खत लिखा है। शंभू सिंह मेड़तिया ने इस दौरान बताया कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पेंशन स्कीम के लिए आंदोलनरत थे, ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी फरियाद सुनी और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का ऐलान किया। सिंह ने कहा कि आगे हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत देश का नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री के रूप में आम जनता के बारे में सही फैसले लें, क्योंकि जनता के फैसले लेने वाला ही देश का नेतृत्व कर सकता है। अशोक गहलोत साहब ने पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचते हुए जो पुरानी पेंशन लागू की है, जो पूरे भारत के कर्मचारी सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे और संघर्ष थे, उन सबको एक बड़ी राहत देते हुए बुढ़ापे की लाठी के रूप में जो NPS बंद करके जो ऑफिस लागू किया है, उसके तहत हम खुशी के तहत कर्मचारी महासंघ और राजस्थान शिक्षक पंचायत कर्मचारी संघ के मेंबर तले हम खून से ये खुशी व्यक्त कर रहे हैं और आगामी हमारे मुख्यमंत्री के जन्मदिन और अन्य मौका पर बारम्बार हम एक प्रार्थना सभाएं रक्तदान शिविर लगातार करते रहेंगे और आज मैंने रक्त से धन्यवाद पत्र लिखेंगे और जल्दी जयपुर जाकर मुख्यमंत्री साहब को पेश करेंगे उनके चरणों में। अशोक गहलोत जिंदा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।